हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज के आपको एक डेमो दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ डेमो ऑन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपको क्या बताता है, अगर आपने फिजिकल स्टेट कंडक्टर की सेम रखी हुई है, तो अगर आप एक कंडक्टर लेते हो और आप उसकी मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो, डायमेंशन चेंज नहीं कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहे हो, तो उस मटेरियल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अगर आपने एक वायर लिया हुआ है और उस वायर का मटेरियल समझो कॉपर है, उस कॉपर को आप चेंज नहीं कर रहे हो और उसके लेंथ को नहीं चेंज कर रहे हो, उसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, उसके लेंथ को थोड़ा भी चेंज नहीं कर रहे हो, उसके एरिया को नहीं चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रहे हो, अगर वो वायर रूम टेम्परेचर में, तो उसी टेम्परेचर में अगर आपने रखा हुआ है और अगर आप उसमें करंट को फ्लो कर रहे हो, करंट को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो, करंट को अगर आप बढ़ाते जा रहे हो तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और वोल्टेज और करंट को आप डिवाइड करोगे तो आंसर कॉन्स्टेंट आएगा। तो देखो यहाँ पर ये सर्किट है, तो ये हमने बैटरी लगा रखी है, बैटरी क्या किया हमने, बैटरी हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है रजिस्टर को, और ये एमीटर भी हमने सीरीज़ में लगाया हुआ है। तो बैटरी से अगर आप करंट निकाल रहे हो और अगर इस करंट को आप बढ़ाते जा रहे हो, तो इसके अक्रॉस रजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज बढ़ने वाला है, और वोल्टेज और करंट को डिवाइड करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो ओम्स लॉ उसी लिए यूज़ होता है ताकि आप ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकें। तो उसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको डिवाइड करना है करंट से, तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको मैं ये प्रैक्टिकली इसका डेमो दिखाता हूँ। ये हमारा सप्लाई है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एम मीटर है, और ये रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस निकाल रखी है, ये हमको फाइंड करना है। इसके अंदर वायर रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, ना ही उसको हीट कर रहे, ना ही उसकी मटेरियल को चेंज कर रहे, ना ही लेंथ को चेंज कर रहे, एरिया को चेंज कर रहे। तो आप देखो, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैं ये सप्लाई को चेंज करूँगा, मतलब जैसे ही मैं इस रजिस्टर के अंदर करंट चेंज कर रहा हूँ, तो देखो आप इसका वोल्टेज भी चेंज होते जाएगा। तो आप क्लियर देख रहे हैं, जैसे जैसे ये करंट बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर रीडिंग्स लेंगे। तो मान लो अभी मैंने यहाँ पर कुछ सिंपल वोल्टेज रखा हुआ है, अभी 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स है, तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर रखा है 0.5 पे। तो अगर मैंने इसको 0.5 पे सेट किया हुआ है, तो 0 और 1 के बीच में 10 लाइन्स है, इसका मतलब क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये 0.5 पे। तो अगर मैंने इसको शार्प, अगर इसको 0.5 पे कर रखा है, आप देखो ये करंट जो हमारा आ रहा है यहाँ पर, ये 0.2 mA आ रहा है। तो अगर इसको मैंने 0.5 पे सेट किया है, तो ये हमारा 0.2 amperes है, क्योंकि ये एम्पियर में है और ये वोल्ट्स में। तो अगर मैंने इसको सेट किया हुआ है 0.5 volt, तो ये देखो ये 0.2। अभी हमको क्या देखना है, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते तो करंट बढ़ रहा है क्या। अब हम क्या करेंगे, ये सप्लाई को थोड़ा बढ़ाएंगे, और आप देखो ये सप्लाई वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया है, तो मैं ये रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज को सेट कर रहा हूँ, 1 सेट किया है, ये देखो। अगर मैं इसको 1 सेट कर रहा हूँ, तो अभी आप देखो ये करंट कितना इस पर आ रहा है, ये 0.4 आ रहा है। तो आप देखो इसमें शार्प जो करंट सेट हुआ है वो 0.4 हो रहा है। तो अगर इसको मैं 1 कर रहा हूँ, तो ये करंट जो हमारा यहाँ पर सेट हुआ है ये 0.4 हुआ है। तो अगर इसको मैंने 1 किया हुआ है, तो ये 0.4 पे सेट हुआ है, मतलब अगर मैं ये करंट को बढ़ा रहा हूँ तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ रहा है। अब फिर मैं क्या करूँगा, ये वोल्टेज इसको बढ़ाऊँगा। तो आप देखो अभी मैं रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, और अभी मैंने यहाँ पर इसको सेट कर रखा है 1.5 पे। तो आप देखो मैंने 1.5 पे सेट किया है, तो ये हमारा करंट यहाँ पर आया हुआ है। जब मैं इसको 1.5 कर रहा हूँ, तो आप देखो यहाँ पर करंट जो हमारा आया हुआ है, दैट इज़ 0.7। तो आप शार्प देखो, यहाँ पर करंट हमारा 0.7 आया हुआ है। जब मैं इसको 1.5 पे सेट कर रहा हूँ, तो ये करंट हमारा 0.7 आया हुआ है। तो आप देखो ये रीडिंग्स बराबर वैसे ही चल रहा है, जैसे जैसे हम वी को वेरी कर रहे हैं, तो वैसे वैसे ही आई भी वेरी हो रहा है। मतलब अगर आप वी को बढ़ा रहे हो तो आपका आई भी बढ़ेगा, तो अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ेगा। अब हम और इसको बढ़ाएंगे, तो आप देखो यहाँ पर हमने इसको 2 volt रखा हुआ है। तो अगर मैंने इसको 2 volt रखा हुआ है रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज, तो आप देखो ये अभी ये करंट भी हमारा बढ़ रहा है, करंट यहाँ पर 1 amperes आया हुआ है। तो आप देखो ये शार्प हमारा करंट 1 amperes आया हुआ है, अगर हमने 2 volt रखा हुआ है। तो अगर हमने वोल्टेज को 2 volt रखा है रजिस्टर के अक्रॉस, तो हमारा यहाँ पर करंट ये 1 amperes आया। तो अगर ये करंट बढ़ रहा है, तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ रहा है। वही आप इसको हम और बढ़ाएंगे, तो आप देखो ये रजिस्टर के अक्रॉस हमने और वोल्टेज को बढ़ा दिया है, 2.5 कर दिया है, तो ये हमारा करंट भी यहाँ पर बढ़ गया है। अब ये करंट हमारा 1.3 हो गया है। तो अगर ये हमारा यहाँ पर 2.5 हो गया है, तो करंट हमारा
1.3 हो गया था। अगर हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया है 2.5, तो ये करंट हमारा यहाँ पर 1.3 हो गया। तो जैसे जैसे आप करंट को बढ़ाते जाओगे, तो जैसे जैसे आप रजिस्टर के अंदर करंट को बढ़ाते जाओगे, तो वैसे वैसे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ते जाएगा। तो ओम्स लॉ आपको वही बता रहा है कि अगर आप रजिस्टर के अंदर करंट बढ़ा रहे हो तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज और करंट को डिवाइड करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपको सिर्फ प्रिकॉशन लेना है कि वायर के मटेरियल को चेंज नहीं करना है, वायर के लेंथ को नहीं चेंज करना है, उसके एरिया को चेंज नहीं करना है, टेम्परेचर, इन चीज़ों को अगर आपने फिक्स बना के रखा हुआ है, तो जैसे जैसे आप रजिस्टर के अंदर करंट बढ़ा रहे हो तो जैसे वैसे वो वी बढ़ेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको ये रेजिस्टेंस मिलेगा, और यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैलकुलेशंस को कर रहे हैं, तो फर्स्ट कैलकुलेशन अगर आप करोगे 0.5 को अगर आपने डिवाइड किया है 0.2 से, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 2.5। और अगर हम सेकेंड कर रहे हैं यहाँ पर 1/0.4, तो आप देखो इसका भी आंसर हमको आ रहा है 2.5। अब हम थर्ड कर रहे हैं 1.5/0.7, तो ये आपको आंसर यहाँ पर आ रहा है 2.1। अब 2/1 आप करोगे तो आपको 2 आ जाएगा यहाँ पर। 2.5 को आप डिवाइड कर रहे हो 1.3 से, तो आपको आ रहा है 1.9। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस देखो आपकी वेरी हो रही है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस ये 2 और 3 के बीच में, तो ये अननोन रेजिस्टेंस जो है 2 और 3 के बीच में है। तो ये हमारे 5 वैल्यूज़ है, तो हम लोग बेस्ट रीडिंग निकालेंगे, तो 5 वैल्यूज़ है इसके लिए एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 2.5 + 2.5 + 2.1 + इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 2 से + 1.9, ये हमारे 5 रीडिंग्स है इधर, इसको ऐड कर दिया है तो हमारे आंसर आ रहा है 11। तो 5 रीडिंग को मैंने ऐड किया तो 11 आ गया, और हमने 5 ऑब्जर्वेशन लिया तो 5 से डिवाइड करना है। आप जब 11 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो 11/5 आपका आंसर आ रहा है 2.2। इसका मतलब ये जो हमने रेजिस्टेंस फाइंड निकाला हुआ है, ये जो हमने अननोन रेजिस्टेंस जो था एक्सपेरिमेंट के अंदर, अननोन रेजिस्टेंस ये हमने ओम्स लॉ से फाइंड किया है, तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आप देखिए वो कितना है, 2.2 ओम्स। तो अननोन रेजिस्टेंस जो हमने निकाला हुआ है ये 2.2 ओम्स का है। तो ये हमारा ओम्स लॉ है कि हमने अननोन रेजिस्टेंस ढूंढ निकाला हुआ है, तो ये जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर वो हमारा आएगा 2.2 ओम्स। तो इस तरह से हमने ये अननोन रेजिस्टेंस फाइंड किया हुआ है। तो ये हमारा ओम्स लॉ है, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप रेजिस्टेंस के अंदर करंट बढ़ाते जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ते जाएगा, और दोनों को डिवाइड करेगा तो वो हमको क्या मिलेगा, उसका अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा। हमने 5 रीडिंग लिए इसके लिए हम एवरेज निकाल रहे हैं, और ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जो निकल गया है 2.2 ओम्स। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस।